उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी, पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, सड़कों पर किसान, कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर यहां पर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली के किसान घाट के लिए किसान जाने वाले हैं लेकिन फिलहाल उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। जी हां, तो आपको ये साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सहारनपुर से ये हजारों की संख्या में भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में ये हजारों किसान यहां पर पहुंचे हैं और नोएडा में ही ये बीती रात रुके थे, ये तमाम किसान जो कि दिल्ली के लिए आज रवाना होने वाले थे, लेकिन फिलहाल इन्हें यहां पर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग भी की गई है। तो कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर उतरे हैं। दिल्ली के किसान घाट के लिए ये किसान जाने वाले हैं। भारतीय किसान संगठन के अंतर्गत उनके नेतृत्व में ये तमाम किसान सहारनपुर से यहाँ नोएडा पहुंचे हैं। नोएडा के बाद दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। सड़कों पर ये तमाम किसान, पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पुलिस बल तैनात। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर काफी ज्यादा ऐसे में यातायात भी प्रभावित यहां पर होता नजर आ रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है, सड़कों पर किसान है, अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते हैं ये तमाम किसान। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों का दिल्ली मार्च, और बॉर्डर पर भी सुरक्षा ऐसे में कड़ी कर दी गई है क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। सरकारों से हमारी ये उम्मीद है कि वो किसानों का एक बार समस्त कर्जा माफ करें पूरे भारत का, और पूरे भारत के किसानों को एक बार सरकार, एक बार नहीं पूरे भारत के किसानों को बिजली मुफ्त दे, जो सिंचाई हेतु बिजली है वो बिल्कुल फ्री दे, क्योंकि हमारी फसलों के रेट गवर्नमेंट तय करे ना कि हम तय करते हैं। जब हमारी फसल का रेट गवर्नमेंट तय कर रही है, हमें उसका अधिकार नहीं है, तो हमें फिर बिल देने का भी कोई अधिकार नहीं है। नदियों के नाम पे एक बड़ा बजट सरकार हर बार पेश कर रही, बड़ा बजट दे रही, लेकिन कोई नदी साफ नहीं है। बल्कि आज वो नदी जो जीवनदायिनी हो रही थी वो आज हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी दे रही। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि भाई इन सारे बातों को मान ले, मैं हमें क्यों परेशान। गन्ना किसान तो परेशान है, 14 दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि भाई मुझे मेरी मेज पर आकर मुझे बताओ कि 14 दिन का भुगतान क्यों नहीं हुआ, ऐसी बात। और ये क्या कह रहे हैं, बोला हम ले रहे इन पर, मिल वालों पर तुम कैसे लेके देते हैं, सब माल यही मार रहे, हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक किसानों का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक का दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अगर हमें सरकार कहीं रोकती है तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। डिमांड यही है हमारी, जब तक दुखी किसान रहेगा जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी। किसान अन्नदाता है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कोई विधायक सुनने वाला नहीं, हमारा कोई सांसद सुनने वाला नहीं, जिसे हम वोट देकर संसद में भेजते हैं, विधायक में भेजते हैं, कोई मंत्री बनता है, आज वो हमारे बीच में नहीं आया है। तो हम तो दुखी हैं, अपनी समस्या को लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारी समस्या रहेगी ये हमारा धरना ऐसा ही चलता रहेगा। उसके लिए भी देखेंगे, अगर जो संघर्ष करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार हैं। 15 से 20 हजार लोग हैं हम, और सब यहीं पे अपने पैदल यात्रा करेंगे। दिल्ली में हम किसान घाट जाएंगे। संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, किसानों का एक ही कहना है कि सरकार चैन की नींद सो रही है, जो वादे किए जो दावे किए अब उन्हें निभाने से पीछे हटती नजर आ रही है, और अब ऐसे में हजारों की संख्या में किसान यहां पर एकजुट हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें हैं और वहां के क्या कुछ हालात है? जी हां, मैं आपको बता दूं, अभी जो है यूपी गेट पे इनको रोक दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है, काफी पुलिसकर्मी भी मौजूद है, और इनको इनकी 15 सूत्र मांगे हैं। उनमें बिजली का कर्ज है, पानी है, लाइट है, काफी उनमें अपनी वो समस्याओं को लेकर वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको आगे दिल्ली के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। इनको बीच में ही यूपी गेट पे ही रोक दिया गया है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि पहले किसान अधिकारियों से भी इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वहाँ से क्या कुछ कोई समाधान निकला है, क्या कुछ बातचीत वहाँ पर हुई है इनकी? जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, कल इनकी जो है वार्ता भी हुई थी, लेकिन अभी
फिलहाल वहाँ पर भी इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब जब यहाँ यूपी गेट पर आए हैं तो यहाँ पर भी इनको आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हम दिल्ली गेट तक हमें जाने दीजिए और हमारी मांगे जो है सूत्र 15 सूत्र मांगे हैं उनको हम वहाँ पर जाके मोदी जी को जाके ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ये अपडेट आई है कि इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल इन्हें दिल्ली का रुख नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या किसी किस्म का कोई आश्वासन, फिलहाल कोई ऐसा वादा यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी या प्रशासन की ओर से किया गया है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जो अभी फिलहाल इनको यूपी गेट पर ही रोका गया है, लेकिन अभी जो अधिकारी है वो वार्तालाप के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पर अधिकारी जितने भी हैं मौजूद हैं और सारे इनको यूपी गेट से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नितिन। तो दिल्ली के किसान घर जा रहे हैं किसान और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं ये अन्नदाता, जो कि सहारनपुर से हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, अधिकारियों के बीच में बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही किसानों से बातचीत की जाएगी। तो कर्ज माफी समेत कई ऐसी किसानों की मांगे हैं जिन्हें लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। जी हां, सहारनपुर से ये किसान चलकर यहां पर पहुंचे हैं भारतीय किसान संगठन के बैनर तले। ये हजारों की संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन इनके किसान अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ हल नहीं मिला। तो किसानों की क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनाते हैं। तो किसान क्यों नहीं जा सकता, तो धारा लगी है, क्या है चक्कर, हमें बताया तो जा, कैसी तरह किसान को बर्बाद करना काम करा जा। इस मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सभी किसान भाई इकट्ठा है और हमारा किसी से कोई लड़ाई हुआ ऐसा मुद्दा नहीं है। जो अपना अधिकार है उसे लेने के लिए हम दिल्ली तक आए हैं और उसे हम रखने का अधिकार नहीं रहा। जब यहाँ पर प्रजातंत्र है तो आदमी के अपने उसमें बात नहीं रखा, क्या तरीका और बात है मैंने कहा बताइए। फिलहाल स्थिति यह है, फिलहाल ना तो कोई आ रहा बात करने के लिए, कभी हमारा रास्ता इधर से भटका दे, कभी हमें ट्रैक्टर से नीचे उतार दे। अब ये लोग मान लीजिए ना, हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जिनके जिले को छोड़ते जा रहे, अब यही हमें पता नहीं कौन से रास्ते से भटका रहे, बण में बता रहे इधर कहाँ बण में को रास्ता जा रहा। बिजली बिल और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए किसानों के लिए एक समस्या, पानी की जो नदियां बह रही है उनको साफ रखने के लिए, गन्ना पेमेंट के लिए हमारा गन्ना भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। 14 दिन का टाइम दिया था लेकिन वो 14 दिन क्या 14 महीने भी हो गए, उससे भी नहीं हो पा रहा। किसानों की पेंशन के लिए घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।